हम क्या चाहते हैं? सामने वाला आपको माफ करने का यही चाहते हैं, तो फिर हम भी माफ कर देते हैं। और ये बात भी याद रखें कि अल्लाह ताला को माफी बड़ी पसंद है, इस चीज को सोच करके हम माफ कर देने वाले हैं। और जिस इंसान के बारे में कहना हुआ है उससे खूब मिलना जुलना रखे, उस मिलने जुलने की वजह से हमारे दिन से इंशाल्लाह कीना निकल जाएगा, कीना साफ हो जाएगा। और ऐसे मौके पर जब किसी के बारे में कीना और गैर होता है तो उससे मिलना बहुत भारी लगता है, लेकिन उसके बावजूद भी अपने नफ्स को दबा कर उससे मिलो, उसको माफ करो, तो फिर उसकी बरकत से इंशाल्लाह दिल के अंदर से कीना निकल जाएगा। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने एक आयत बयान फरमाई जिसमें दुआ भी है और उसमें दवा भी है। तो कहते हैं तकब्बुर, तकब्बुर का मतलब होता है
किसी के सिफाते कमाल, किसी के अंदर कोई कामी खूबी है, उस सिफाते कमाल के अंदर अपने आप को हम दूसरों से बड़ा समझे, किसी सिफाते कमाल के अंदर हम अपने आप को दूसरों से बड़ा समझे। के मसल इल्म के अंदर में बहुत बड़ा हो, अमल में बहुत बड़ा हो, अखलाक में बहुत अच्छा हो, जानकारी में बहुत अच्छा हो, तो सिफाते कमाल कोई भी अच्छी सिफत उसके अंदर हम अपने आप को दूसरों से अच्छा समझे, इसको तकब्बुर कहा जाता है। और ये तकब्बुर इतनी खतरनाक चीज है कि उसने शैतान को अल्लाह ताला की बारगाह से दूर कर दिया, मकसद से दूर कर दिया। हजरत फरमाते हैं कि तकब्बुर का बेहतरीन इलाज ये है कि अल्लाह ताला की अजमत और बड़ाई का तसव्वुर करो कि अल्लाह की अजमत, अल्लाह की बड़ाई, तो फिर इंसान के दिल के अंदर से अपनी बड़ाई को निकलती चली जाएगी। क्या ऐसी है, एक रिवायत के अंदर है, मुफस्सिरीन ने ये रिवायत नकल की है कि अल्लाह की तरफ से एक फरिश्ता मुकर्रर है, जब इंसान बैतुल खला में जाता है और गंदगी निकलती है तो वो उसकी पेशानी पकड़ करके नजर को झुकवाता है ताकि वो अपनी गंदगी पर एक नजर देख ले और उसको ये एहसास हो जावे कि तुमको कितनी गंदगी का मजमुआ है। ये गंदगी जो तेरे बदन से निकली उसको देखना तो खुद पसंद नहीं करता है, उसकी बदबू को तो खुद पसंद नहीं करता है। जब तेरे अंदर ये सारी गंदगी है और उसका तो मजमुआ है तो फिर किस चीज के ऊपर तू तो अपने आप को बड़ा समझ रहा है और बड़ाई के अंदर तू तो मुबतला है। इसीलिए अल्लाह की अजमत का, बड़ाई का तसव्वुर करो तो उसकी बरकत से इंशाल्लाह तकब्बुर दिल से निकलेगा। और दूसरा इलाज हजरत ने बयान फरमाया कि जब आदमी ये सोचे कि मैं इसके मुकाबले में बड़ा आदमी, मैं इसके मुकाबले में बड़ा अमल करने वाला हूं, तो जिस दूसरे इंसान के साथ अपने दिल में तकाबुलन बड़ाई का ख्याल आ गया उसके साथ तवाजु से पेश आओ, उसी के साथ तवाजु का बर्ताव होगा कि भाई ये मुझसे छोटा है, इससे बड़ा, तो उसी के साथ तवाजु करो। तो जब तवाजु करेंगे तो इंशाल्लाह तकब्बुर दिल के अंदर से निकलता चला जाएगा। हमारे हजरत मुफ्ती महमूद साहब रहमतुल्लाहि तआला अलैह एक मरतबा किसी ने कहा हजरत तुम नसीहत फरमा दीजिए, तो हजरत ने बहुत मुख्तसर बहुत जामे नसीहत फरमाई, इरशाद फरमाया शेख साहबी रहमतुल्लाह अलैह के दीन हजरत शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी रहमतुल्लाह अलैह ने उनसे फरमाया था, मैं वही नसीहत तुमको कर देता हूँ, कभी अपने आप को दूसरों से अच्छा न समझना और दूसरों को अपने से हकीर न समझना। अल्लाह ताला इन गलतियों से हम सबको माफ करना और अपने अंदर इस तरह के मर्द हो तो इन इलाज के जरिए, दुआओं के जरिए से अपने आप को पाक करने की तौफीक अता फरमाए। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून वसलामुन अलल मुरसलीन वअलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।